नीदरलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव। जी हां, भारत समेत इन टीमों की बढ़ चुकी है मुश्किलें। हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 की। जैसे जैसे ये महामुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस भी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हाल ही में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का वो महामुकाबला खेला गया जिसने पॉइंट्स टेबल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और उसके बाद आज के दिन जो मुकाबला नीदरलैंड बनाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच में खेला गया, जिसका नतीजा ये रहा कि नीदरलैंड क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, और ब्लैक कैप्स यानी कि नीदरलैंड क्रिकेट टीम के सामने जो खेल रही न्यूजीलैंड ने एक बार फिर दूसरी बड़ी जीत अर्जित करी है, और उसके साथ में ही इनके लिए अब रास्ता बहुत आसान हो गया है और इनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हम आपको बताएंगे कैसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए खुशखबरी, तो बाकी टीमों की होश उड़ा देने वाली ये खबर है। हम आपको बताएंगे भारत की क्या पोजीशन है, क्योंकि सारी टीमें एक ही पॉइंट्स टेबल में हैं तो फिर हर मुकाबला पूरी पॉइंट्स टेबल को भी प्रभावित करता है। चलिए आइए आपको बताते हैं सब कुछ इसे एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं फाइनल की दो टीमें आप कौन सी देखना चाहते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 की लेटेस्ट पॉइंट टेबल अपडेट के बारे में, जहां न्यूजीलैंड ने लगातार दूसरी बड़ी जीत हासिल करी है। लेकिन इस मुकाबले की बात करेंगे तो हम आपको इस मुकाबले की थोड़ी अपडेट भी देना चाहेंगे। इस मुकाबले में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती है, और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जहां विल यंग हो या फिर बाकी खिलाड़ी जिन्होंने तीन खिलाड़ियों ने हाफ सेंचुरी लगाई, 322 रन का एक पहाड़ सा लक्ष्य 50 ओवर के अंदर 7 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जो नीदरलैंड क्रिकेट टीम थी वो इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। हालांकि नीदरलैंड की तरफ से वो फाइट तो जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी नीदरलैंड को एक बहुत बड़े मार्जिन से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद पूरी तरह से पॉइंट्स टेबल बदल गई है। चलिए एक एक करके पूरी पॉइंट्स टेबल आपको बताते हैं। फिलहाल इस पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 10वें पायदान पर जो नाम आता है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का आता है। जी हाँ, एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला हारा है, और इन्हें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली, लेकिन इनकी नेट रेट इतनी खराब -2.149 की पॉइंट्स टेबल में 0 पॉइंट के साथ में ये सबसे नीचे हैं। नाइन्थ पोजीशन की बात करेंगे तो श्रीलंका जो नाइन्थ पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगी, एक ही मुकाबला खेला है, एक मुकाबला हारा है, -2.040 की नेट रन रेट है जो बेहद ख़राब है। इनका अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ देखने वाली बात रहेगी। और आठवें पायदान पर नीदरलैंड क्रिकेट टीम है, भले ही दो मुकाबले खेले तो ही हार गए, लेकिन नेट रन रेट बाकी टीमों से थोड़ी बेहतर है फिलहाल, क्योंकि दो मुकाबले खेल लिए हैं, और इसी वजह से ये 0 पॉइंट के साथ में भी आठवें पायदान पर है। आपको दिखाई देगी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना इन्हें भी करना पड़ा है, और पॉइंट्स टेबल में बड़ा नुकसान भी हुआ है। सातवें पायदान की बात करेंगे तो नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का आएगा, जिन्होंने भी एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला हारा है, -1.438 की नेट रन रेट है, और जो कि बेहद ख़राब है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा घाटा हुआ है, जी हाँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है सातवें पायदान पर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जिन्हें टीम इंडिया से हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद उनके पास एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला हारा है, और उनके पास नेट रन रेट इतनी ख़राब है कि फिर वो छठवें पायदान पर इस पॉइंट्स टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पांचवें पायदान की बात करेंगे तो इंडियन क्रिकेट टीम का नाम आता है। जी हाँ, जहां अगर जो ये नीदरलैंड मुकाबला हारती तो शायद इंडिया की पॉइंट्स टेबल में कुछ बड़े बदलाव होते, लेकिन फिलहाल इंडिया पांचवें पायदान पर है, एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला जीता है, 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल पांचवें पायदान पर बनी हुई है। एक बहुत बड़ा मुकाबला इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया। लेकिन टॉप फोर की बात करेंगे तो उसकी तस्वीर आपको हैरानी में डालेगी। चौथे पायदान पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला, एक ही जीता है, 2 पॉइंट इनके पास में भी है, और इनकी नेट रन रेट भी अच्छी है। तीसरे पायदान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जिन्होंने भी एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला जीता है, 2 पॉइंट इनके पास में भी है, और इनकी नेट रन रेट भी यहाँ आप अच्छी खासी देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की, तो फिलहाल वो दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने भी एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला जीता है, 2 पॉइंट इनके पास में भी है, और नेट रन रेट भी 2.404 है, और जिसकी वजह से ये टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर है। लेकिन पहले पायदान की बात करेंगे तो फिर नाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आता है, जिन्होंने बहुत ही कमाल का खेल दिखाया है, फिर वो चाहे पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ हो या फिर अभी नीदरलैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है, और 2 मुकाबले खेलकर
दोनों के दोनों जीतकर 4 पॉइंट के साथ में और अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम पहले पायदान पर है। और अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ये दो बड़ी जीत से लगता है कि सेमीफाइनल की रेस में फिलहाल ये टीम सबसे आगे है, लेकिन भारत को अभी भी काफी मुकाबले जीतने हैं, देखने वाली बात है क्योंकि ये अभियान का अभी भी आगाज है। अब न्यूजीलैंड की इतनी बड़ी जीत के बाद दिक्कतें ये होगी ना कि नेट रन रेट पर जब बात आएगी तो न्यूजीलैंड ने दो बड़े मुकाबले और बड़े मार्जिन से जीते हैं, तो उनकी नेट रन रेट बेहद अच्छी है जो बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ा रही है। लेकिन ये थी पॉइंट्स टेबल, जहां अभी तो शुरुआत है इस टूर्नामेंट की, बहुत ही कमाल की पॉइंट्स टेबल आगे जाकर आपको और भी देखने को मिलेगी।